सर्वेक्षण पर सबसे बड़ा रड़, ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर, सर्वे में सामने आया सच, 35 साल से जारी है संग्राम, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का 32 साल पुराना केस एक बार फिर सुर्खियों में है। हालांकि इसका इतिहास 350 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई यानी कि आज वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई के सर्वे को लेकर अहम बात कही है। शीर्ष कोर्ट ने मस्जिद में एएसआई के सर्वे पर 26 जुलाई यानी कि 2 दिन तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक कोई सर्वे ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि इस दौरान अगर मस्जिद कमेटी चाहे तो वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जा सकती है। क्या हुआ आज सुबह 7 बजे ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे शुरू हुआ, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उसके बाद एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का भी आदेश दिया। वही आपको बता दें कि ये पूरा मामला पिछले साल अगस्त का है, जहां दिल्ली की एक महिला राकेश सिंह और 4 अन्य महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में श्रृंगार गौरी और कुछ अन्य देवी देवताओं की दर्शन पूजन की अनुमति की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल। वाराणसी की एक निचली अदालत में दाखिल अर्जी में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि ये देवी देवता प्लॉट नंबर 9130 में मौजूद है, जो की विवादित नहीं है। अर्जी में कहा गया है कि सर्वे करा के पूरे मामले को सुलझाया जाए, जिसके बाद लगभग 8 महीने बाद 8 अप्रैल 2022 को अदालत ने सर्वे करने और उसकी वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया, जिसके बाद मस्जिद प्रबंधन समिति ने कई तकनीकी पहलुओं के आधार पर इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया। सर्वे के दौरान मस्जिद के वजू खाने में एक ऐसी आकृति मिली। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसके नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2500 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। दावा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने साल 1664 में मंदिर को तोड़वा कर यहाँ मस्जिद का निर्माण किया, जो अब ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कर ये पता लगाया जाए कि जमीन के अंदर का भाग मंदिर का अवशेष है या नहीं। साथ ही विवादित ढांचे की फर्श तोड़कर ये भी पता लगाया जाए कि 100 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंग भी वहां मौजूद है या नहीं। मस्जिद की दीवारों की भी जांच कर पता लगाया जाए कि ये मंदिर की है या नहीं। याचिकाकर्ता का दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों से ही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ। वैसे आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में, हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं।